इस साला गुल्लू हमसे पैसा ले लिया उधार पे, अब जब वापस मांगो तो देता नहीं है, मांगते रहो मना करता रहता है, अब इसको क्या करें हम यार, बहुत परेशान हो गए हैं। एक तो इसको पिटवा भी नहीं सकते, साला दोस्त है हमारा, नहीं तो एक तो लट घुड़वाई देते, अब क्या करे रे भैया, एक बार फिर मांगने चलते हैं इसके पास। A few minutes later, रे गुल्लू हमारा पैसा दे दे भाई, 1.5 लाख रुपए है तो तू धीरे धीरे करके दे दे, पर चुका तो दे, मुझे भी तो जरूरत है पैसे की। ए गट्टू वॉल्यूम थोड़ी नीचे रख, पैसा वैसे ही नहीं है मेरे पास, और दोस्ती में लिया हुआ पैसा मैं वैसे ही वापस नहीं करता, चल भाग। अब क्या करे रे भैया, अब पैसा ही नहीं दे रहा, अब कहाँ करे क्या करे। अरे लीगल बाबा को फोन करते हैं, बहुत कहते हैं अपना वकील खुद बनो, अपना वकील खुद बनो, आज पता करते हैं क्या कहते हैं भैया, कैसे हमें वकील बनाएंगे। लीगल बाबा। प्रणाम वकील साहब, लीगल बाबा बोल रहे हैं। वकील साहब एक समस्या आ गया है हमें। जी गट्टू जी बताइए क्या समस्या है। हमारा दोस्त गुल्लू हमसे पैसा लिया उधार पे, अब वापस मांगने जाओ तो साला हमें ही भगा देता है, ऊपर से बोलता है भैया जा जो करना है कर ले, हम तेरे को पैसा नहीं देंगे। अब आप ही बताइए, कोई मार्गदर्शन कराइए कि अपने पैसे वापस कैसे ले। अरे गट्टू जी जब आपके पैसे वापस नहीं कर रहा गुल्लू, तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, आप उसको एक लीगल नोटिस भिजवाइए, यानी कि उसके नाम पे एक विधिक नोटिस जारी करवाइए, उसके अंदर उसको 10 से 15 दिन का टाइम दीजिए कि भैया इस समय में आपका पैसा वापस करवा दे। अच्छा, अगर 10 से 15 दिन में आपके पैसे वापस नहीं मिलते तो भैया आप क्या करिए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी कि व्यवहार न्यायालय में सूट फॉर रिकवरी यानी कि अपने पैसों की वापसी का दावा डालिए। ओहो, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नजदीकी थाने में यानी कि नियर बाय पुलिस स्टेशन में गुल्लू के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं, और कंप्लेंट में आप सारी चीजें लिखिए कि भैया फला डेट को फला दिन गुल्लू ने आपसे इतने पैसे उधार लिए, आपको भरोसा दिलाया कि भैया इस डेट को आपके पैसे वापस कर देगा, लेकिन अब आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, आपको आपके पैसे वापस नहीं दे रहा। ओके, और ऐसी कंप्लेंट लिखने के बाद जो पुलिस है गुल्लू को अरेस्ट भी कर सकती है, गिरफ्तार भी कर सकती है अंडर सेक्शन 405, 406 एंड 420 इंडियन पिनल कोड 1860, यानी कि धारा 405, 406, 420 इंडियन पिनल कोड 1860। अच्छा, अब इन धाराओं के बारे में भी आपको बता देता हूँ, 405 और 406 आईपीसी यानी कि 405, 406 आईपीसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए होती है, यानी कि विश्वास का आपराधिक उल्लंघन के लिए होती है, और जो 420 यानी कि 420 आईपीसी होती है वो होती है चीटिंग के लिए, धोखाधड़ी के लिए। आज जाके गुल्लू के साथ हम यही करेंगे। तो भैया घबराइए मत, इस तरह से अपने केस को चलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद लीगल बाबा जी, अपना वकील खुद बनिए, ऐसे अनेक कानून जानने के लिए अपने लीगल बाबा को सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे फॉलो करते रहिए। थैंक यू।